यशोदा सुनो, ले जाना है मंदिर, लगी है मोबाइल में, तुमरा कछु नहीं हो सक। मौसम का हाल देख रहे थे मौसी जी, आप किसको देख रही हैं? बहुरिया। बहुरिया नहीं, आपकी बहुरिया तो आजकल उत्पात करती है, तो पूजा पाठ नहीं, कामिनी होगी। कामिनी रुको, हम बुलाते हैं। कामिनी जी है? हमने पूछा कि सारी तैयारियां कर दी। आज लग रहा है ना, ये हमारे मिस्री है जो अर्जुन और घंटी को कभी कहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच मौसी जी, मैं भी अपनी इस बच्ची का साथ देना चाहती हूँ, और जो इसने अर्जुन और घंटी के साथ किया मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। हमने तो इसे अपना भी लिया था, लेकिन इसकी वजह से बच्चे डरने लगे हैं, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो आप सब अपने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। आज ये भली बनी है, जान कोई ना कोई मतलब होगा, तभी कर रही है अम्मा, हम कह रहे हैं आपको। कभी कुछ अच्छा नहीं सोचो, जा बोलो गोबर बोलो। स्नेक्स, हाँ बेटा तुम्हें बनाने हैं? पर मुझे सांप से डर लगते हैं। अरे घंटी बेटा, इसमें डरने की क्या, इधर आओ। मुझे भी डर लगता है, मुझे घंटी बेटा, तुम्हें सांपों से बहुत डर लगता है ना, तो हम तुम्हें सांपों की एक कहानी सुनाते हैं, शायद वो कहानी सुनकर तुम्हारा डर भाग जाए। ओके। बहुत बहुत सालों पहले एक बिल्कुल तुम्हारी तरह एक क्यूट सा बच्चा था, उसे भी सांपों से बहुत डर लगता था। फिर एक दिन उसे एक शैतान सांप ने डस लिया। फिर उसकी तबीयत बहुत खराब हुई और उसकी मम्मी को भी बहुत गुस्सा आया। फिर गुस्से में उसकी मम्मी ने नागलोक के सारे सांपों को श्राप दे दिया। उस श्राप की वजह से सारे सांप आग में जलने लगे। फिर क्या हुआ? फिर सारे सांपों ने उस बच्चे से सॉरी बोला और पूजा करके ब्रह्मा जी की मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने आस्तिन मुनि को उनकी हेल्प करने के लिए भेजा, और तब जाकर वो सारे के सारे सांप बच पाए। और इसीलिए आज के दिन सांपों को ठंडा दूध चढ़ाकर नाग पंचमी मनाते हैं। फिर तो उस बॉय को सांप से डर लगना भी बंद हो गया होगा। बिल्कुल ठीक कहा घंटी बेटा, डर को हरा कर ही हम हर बुराई से जीत पा सकते हैं। आज नाग पंचमी के दिन हम भगवान से बस यही मांगते हैं कि कोई भी शैतान हमारे अपनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो नाग हो या नागिन। तो चले मंदिर।
नहीं घंटी, अब मंदिर में बहुत से सपेरे सांप लेके आए होंगे, तो आप डर जाओगे, आप यहीं रहोगे, ओके? आप मंदिर नहीं चलोगे।